नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों 20 जून 2023 PGCIL फील्ड सुपरवाइजर का एग्जाम जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में, 50 टेक्निकल सब्जेक्ट का था और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का था, जिसमें 5 इंग्लिश, 10 रीजनिंग और 10 मैथ। तो जो टेक्निकल सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं उसका मेमोरी बेस्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं और इस पूरे क्वेश्चन का संग्रह करने में शिवम चतुर्वेदी जी और सोनू विश्वकर्मा जी का अहम योगदान रहा है। तो मैं चाहूंगा कि शिवम चतुर्वेदी जी इस क्वेश्चन का वाचन करें और आप तक पहुंचाएं। तो आइए शिवम जी, इस क्वेश्चन का वाचन कीजिए। धन्यवाद सर। और हम बात करना चाहें इस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन था नॉर्टन रेजिस्टेंस, जिसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। 6 और 3 ओम पैरेलल में था और 2 ओम उसके सीरीज में था, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड से था, वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड जो होता है। इसमें ये पूछना चाह रहा था कि सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हाई आती है या लो आती है, और यह आती है हाई लो तो किस रीजन से आती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर से था, बोल रहा था कि अगर कोई सिंक्रोनस मोटर UPF पावर फैक्टर पे चल रहा है, अगर उसके एक्साइटेशन की वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में वो लैग करेगा, लीड करेगा, साथ में करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर से ही था, डैम्पर वाइंडिंग से था। डैम्पर वाइंडिंग में बोल रहा था कि कोई सिंक्रोनस मोटर है, अगर उसमें सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है तो उस समय डैम्पर वाइंडिंग टार्क जनरेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा, कम या ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सिंक्रोनस मोटर से ही था, इसमें ये बोल रहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये फ्लक्स के साथ कैसे बिहेव करता है, 90 डिग्री लैग होता है, लीड होता है, फेज में रहता है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी सिंक्रोनस मशीन से था, इसमें ये बोल रहा था कि सिंक्रोनस जनरेटर के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है टर्मिनल वोल्टेज के साथ कैसे रिलेट करता है, जो लोड एंगल होता है डेल उसके साथ कैसे रिलेट करता है, ईएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड करता है या लैग करता है वीटी से, या फिर टर्मिनल वोल्टेज लीड लैग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 6×10^16 होता है। फिर उसके बाद था कि एक क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसमें कि जो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि L=N5I/I, जिसमें कि उसने L की वैल्यू दिया था और N की वैल्यू दिया था, I की वैल्यू निकालना था, I की वैल्यू दिया था, फाई की वैल्यू निकालना था, जिसमें आंसर 1.667 मिली वेबर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मैकेनिकल फोर्स निकालना था, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू दिया था, I की वैल्यू दिया था और L की वैल्यू दिया था, जो कि F=BIL sin θ रखना था, उसमें थीटा का मान 90 डिग्री दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल से था क्वेश्चन, इसमें बोला था कि कौन सा नॉन पोलर या पोलर डिवाइस है, जिसमें कि ऑप्शन में था टेफ्लॉन, नायलॉन और पॉलिस्टरीन क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक 15 ओम रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म वायर था, जिसे 5 पार्ट में डिवाइड करके और उसे पैरेलल में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो BLDC मोटर से था, उसने पूछ रहा था कि BLDC मोटर में हम लोग कौन सा मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिलिकॉन और कॉपर की कंडक्टिविटी कंपैरिजन कर रहा था, उसने ये बोलना चाहता था कि सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 10^10 में कितना कम होता है, जिसका आंसर 10^11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाई वोल्टेज मेजरमेंट से था, जो कि हाई वोल्टेज मेजरमेंट में स्फीयर गैप, फील्ड गैप और बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसमें से बोल रहा था कि किसकी एक्यूरेसी बेस्ट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि स्फीयर गैप मेथड हाई वोल्टेज मेजरमेंट का, जिसका एक्यूरेसी अन्य मेथड की तुलना में अच्छी होती है और रिलायबल होता है। नेक्स्ट बात करें स्विचिंग इम्पल्स मेथड की, किस वोल्टेज लेवल के बाद स्विचिंग इम्पल्स टेस्ट का किया जाता है, जो कि नॉर्मली 220 to 245 केवी के अबव किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में 220 केवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये था कि इंसुलेटर के पंक्चर होने का इसमें से कौन सा रीजन है, तो 3 ऑप्शन था, स्ट्रेस था, ओवर वोल्टेज और डस्ट था, फिर ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें से ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिले से रिलेटेड था, स्विचगियर प्रोटेक्शन से, वो ये कहना चाहते थे कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन है जो कि बिना कैरियर करंट वायर का यूज किए डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस रिले जो कि सही ऑप्शन होता ऑप्शन होगा, ऑप्शन में था डिस्टेंस रिले, करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो इसमें से सही ऑप्शन डिस्टेंस रिले होगा, क्योंकि इसमें विदाउट कैरियर वायर प्रोटेक्शन हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंटी इफेक्ट से था। फ्रेंटी इफेक्ट में ये पूछना चाहते थे कि फ्रेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, जिसमें ऑप्शन में था सीरीज इंपीडेंस, सीरीज इंडक्टेंस, संट इंडक्टेंस, सीरीज कैपेसिटेंस, संट कैपेसिटेंस। सही आंसर इसका संट इंडक्टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन था, वही कहना चाहते थे कि अगर कांस्टेंट वोल्टेज को रखते हुए रेजिस्टेंस का मान हम डबल कर दे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जो कि करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स था, वही बोलना चाहते थे कि अगर एक बार में एक सोर्स को कंडीशन कंसीडर किया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करें या और नेक्स्ट टाइम दूसरे सोर्स को कंडीशन करें, दोनों केस में वैल्यू सेम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से तो पूछा था उसकी एफिशिएंसी से, जो कि हम लोग जानते हैं 50% एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें केल्विन्स लॉ से था, केल्विन्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जब इक्वल होता है उस समय मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियर और हाइड्रो के कंबाइंड से था, जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट पावर प्लांट के स्पीड से रिलेशन दिया था न्यूक्लियर, हाइड्रो और थर्मल से। तो न्यूक्लियर और थर्मल की स्पीड जो होगी वहां पे 3000 होगी और हाइड्रो की 300 होगी ऑप्शन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केवल हाइड्रो टर्बाइन से था कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी टर्बाइन यूज होती है, सैलिएंट पोल, नॉन सैलिएंट पोल, और भी था जिसमें सही ऑप्शन सैलिएंट पोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एक सर्किट दिया हुआ था, पूछ रहा था कि 4 ओम रेजिस्टेंस में आप इक्विवेलेंट करंट का मान बताइए कि इसमें कितने करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट करंट की बात की तो मीटर कांस्टेंट की यूनिट पूछा था, जो कि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा था मेजरमेंट से क्वेश्चन था कि कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वल्ली एसी पे काम करेगा, इसमें इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी एरर को कंपनसेट करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि कैपेसिटर सीरीज सैंपलिंग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टिंग एफिशिएंसी था, लेकिन इस बार जो स्टिंग एफिशिएंसी का फार्मूला पूछना चाहता था वो थोड़ा नए पैटर्न में पूछ रहा था, जैसे कि वोल्टेज फ्लैश ओवर वोल्टेज के चरण में कि फ्लैश ओवर वोल्टेज अक्रॉस n टाइम्स अपॉन n इनटू फ्लैश ओवर वोल्टेज अपॉन 1 यूनिट, तो इस टाइप का कुछ अच्छा क्वेश्चन फॉर्म करने का एग्जामिनर सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लीकेज फैक्टर, जो कि हम लोग जानते हैं लीकेज फैक्टर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे फार्मूला उसका ऐसे इसी प्रकार से कुछ पूछा था, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, इसी तरह से घुमा घुमा के पूछना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से था, फर्स्ट क्वेश्चन में कंट्रोल सिस्टम में सीरीज कैस्केड कनेक्शन था, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कैस्केड में अगर है तो उसमें टोटल इक्विवेलेंट गेन का जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और यहीं पे अगर पैरेलल दे देता तो वहां पे हम लोग ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से एक क्वेश्चन और था, जिसमें कि जी ऑफ एस इक्वल टू के अपन एस एस स्क्वायर प्लस ए समथिंग करके दिया था, जिसमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू दिया था, उसमें के की वैल्यू पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएन जंक्शन से था, स्टेटमेंट फॉर्म में था, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर से था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पावर सिस्टम से था, जिसमें उससे ये पूछना चाहते थे कि जो स्टेपर ट्रांसफार्मर है इसका यूज हम लोग कहाँ जनरली कहाँ करते हैं, जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सही आंसर होगा जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर से था, डिस्ट्रीब्यूटर जो हम लोग फीडर डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस मैन की बात करते हैं, तो इसके डिफिनेशन से था और लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्ट करके अच्छा क्वेश्चन बनाने का फ्रेम किया था एग्जाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैग्नेटिक शिफ्टेड से था, कि एक हमारा मैग्नेटिक डायपोल है और उस ईस्ट साइड में शिफ्टेड है, तो बताइए कि इस कंडीशन में हमारा मैग्नेट जो है कहाँ पर होगा, अप होगा, डाउन होगा, ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में था बेस करंट की वैल्यू थी ट्रांजिस्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं IB+IC, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन फिल्म किया था क्वेश्चन एग्जामिनर ने थ्योरी बेस और उसको समझना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप नहीं समझदारी समझे तो वहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ऑपरेशन एम्पलीफायर से नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो यहाँ पे उसमें से पूछना चाहता था कि कौन सा ऑपरेशन एम्पलीफायर से रिलेटेड इसमें से ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिसमें कि आउटपुट रेजिस्टेंस को उसने इनफाइनाइट बताया था जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, इस प्रकार यह विकल्प गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें पावर सिस्टम की, तो उसने पीएसएम की वैल्यू पूछा था, जिसमें कि फाल करंट दिया था, रिले सेटिंग दिया था और सिटी रेशियो दिया था, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पीएसएम की वैल्यू सही आंसर 8 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो पूछ रहा था कि सॉलिड एंगल में कितना होता है, जो कि हम लोग बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है 4π, वो चीज होता है। कुछ न्यूमेरिकल थे, जैसे कि मीटर कॉन्स्टेंट से न्यूमेरिकल था, हालांकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए टाइम का वहाँ वैल्यू बहुत कम था, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छे से एक्यूरेसी और
स्पीड मेंटेन करे तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता था। तो पहला क्वेश्चन की बात करें न्यूमेरिकल में, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल में अच्छी न्यूमेरिकल की बात करें तो मीटर कांस्टेंट की था, और उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना था, और कोरोना से रिलेटेड था, डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज निकालना था जिससे कोरोना मिनिमम वोल्टेज जिससे कोरोना आकर्ष होता है, उसके बाद स्कॉट कनेक्शन से था और डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल था। इस प्रकार ये फील्ड सुपरवाइजर में टोटल पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चनों के संग्रह का कलेक्शन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।